नमस्कार। वायरल हो रहा है ये वीडियो जहां स्मृति ईरानी किस तरह से हर एक जनता, खासकर गरीब ग्रामीण जनता से मिलती हैं, किस तरह वह गरीब ग्रामीण जनता से मिलती हैं, ग्रामीण गरीबों से किस तरह बहुत ही स्नेहपूर्वक बात करती हैं, उनकी समस्या समझती हैं, तो इसीलिए वह अमेठी से जीत रही हैं। क्यों जीतती हैं इसका जो सीक्रेट है, या वह है, उसका यह सीक्रेट है कि वह एक एक गरीब, एक एक ग्रामीण अनपढ़ जो होते हैं, उनसे नम्रता पूर्वक सहानुभूति के साथ मिलती है और बहुत ही स्नेहपूर्वक वातावरण में बातें करती है, और उन्हीं के डायलेक्ट, वो कभी कभी डायलेक्ट हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन वह डायलेक्ट जानती हैं, वह डायलेक्ट नहीं भी जानती हैं तो वो उनके दिल की बात समझ जाती है और वह उनके जनसंपर्क करती हैं और उनका समस्या समाधान करती है, इसीलिए वह इलेक्शन जीतती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, वह बहुत ही मेहनत करती है, बहुत ही मेहनती हैं। वह हर एक जगह जाकर एक एक गरीब, एक एक ग्रामीण, एक एक अनपढ़ लोगों से भी मिलती है और उनकी समस्या सुनती हैं सहानुभूति के साथ, नम्रता के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और बहुत ही स्नेहपूर्ण तरीके से उनको समझाती हैं या उनका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ एक वायरल वीडियो है, देखिए वह किस तरह एक गरीब बूढ़ी से बात करती हैं और किस विनम्रता से बात करती हैं और उनका जो प्रॉब्लम है वह सुनती हैं, पूरे पेशेंस से सुनती हैं, उन्हीं का वायरल वीडियो देखिए। देख रहा हूँ सब हमारे सब जैसी भी लगवा के, जैसी भी जमीन सरकार की जमीन हमारी नहीं है, पूरा दुनिया है वही में वही। घर किस पे है, जमीन पे, सरकार की जमीन पे कि अपनी जमीन पे? नहीं सरकार जमीन नहीं, ना घर नहीं, ना मुला पेंशन मिला था। देखभाल गिरा दिए हैं, देखभाल आओ चौकी से आओ, देखो आप लोग पीछे आइए, बैठ जा भैया, है ना लगाओ भाई पीछे हो जाइए, हमारे गोरू पानी दीवार रहे वो भी जैसी भी लगा के हमारे बहुत नुकसान किया, दिन जार लगा हमारे पेड़ छोट छोट हमारे गए, चलो आज हमारे कौ दो चाली लकड़ी रहे वो कम साहब आ रहे हैं क्या, चिंता ना करें, रुक जा, जिलाधिकारी को बुला ले, वो मैं सब बात सब गया था गाँव हमारे यहाँ क्या ऊपर नहीं गिरा, हमका ये उपाय का हमारे खेल गिरा, हमारे पाल हो देखो प्रधान और वही पुलिस तीनों जने खड़ा हो के वहाँ सब गिरवा दे, सरकारी जमीन पे था अम्मा, सरकार की जमीन है, हमारी जमीन न हो हम झूठ न बोल, ठीक है बात कर, अभी सीडियो साहब को आने, ठीक है आज हम शायद धोखा छोड़ के जाओ ना, हम जब तक तू देख न ले, हम जब तक तू देख न ले, देख ले अभी देख ले, अम्मा इधर बैठ, इधर अम्मा इधर बैठ, हो जाए आप लोग बैठ, हम्मा अभी आते जिलाधिकारी साथ जाएंगे, तो नहीं है बताओ क्या हुआ है, कहीं जाते हैं आपके साथ है अम्मा, पीछे पीछे घूम बताए अम्मा, ये आपके साथ हैं, हमारे साथ न हो रही है, जो प्रधान है वो नहीं फूफू का पतवा है, निवास दबा करके हमारी जगह ले लिए, तो इनका भी गिरवा था उसमें भी ले लिया था, आपका पट्टा तो इंटैक्ट है, मतलब कि जिसका तसी है ना पट्टा, तो दिक्कत नहीं हुआ उसमें, क्या बनवा, कौन दीवाल उठाए, कौन दीवाल उठाए तुम्हारे पट्टे पे, ज्यादा पट्टे से ज्यादा
एक बात बताओ, तुम अपना पट्टा छोड़ के आगे की जमीन पे बनवाई हो कुछ? नहीं कुछ। जिनको आवाज का पट्टा हुआ, तुम्हारे खेती का पट्टा था, है ना? लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो एक अलग रूप धारण करती है। वह अपनी टिप्पणियों में अडिग और स्पष्ट होती हैं, हालांकि वह अपनी भाषा के मर्यादा जरूर मानती है, भाषा के मर्यादा क्रॉस नहीं करती, लेकिन बहुत ही सटीक और स्पष्ट और कड़े तरीके से वह जवाब देती हैं। जैसे राहुल गांधी के एक अभद्र टिप्पणी वाराणसी के बारे में कि वाराणसी के सब लोग शराब पीते हैं और रात को वहां पर डांस करते हैं या सोए हुए रहते हैं, तो इसका जवाब में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं दक्षिण भारत में, वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निवेदन को, निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश में कल ही इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, $1 trillion की इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, उस स्वप्न को, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का नौजवान ही साकार करेगा। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। थैंक यू, सी यू अगेन। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।